The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं. आप Play Store से भी इसे download कर सकते हैं, App Store से भी इसे download कर सकते हैं. जैसे आप application download करेंगे, आपको login करना होगा. login करने के बाद आप Store पे click कर सकते हैं. Store में आपको course list मिलेगी. इस course list में से आप अपना desired course select कर सकते हैं, enroll कर सकते हैं. For example, अगर मैं Forensic Science and Net की preparation कर रही हूँ, तो मैं Forensic Science Net का course select करूँगी. अगर मैं Criminal की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है. एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, previous year question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स. क्या पढ़ रहे हैं, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स. फोरेंसिक बैलिस्टिक्स क्या है, पहले तो बैलिस्टिक्स टर्म को समझना ज़रूरी है. बैलिस्टिक्स क्या है, बैलिस्टिक्स वो साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स. क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एंड फायर आर्म्स. एंड फायर आर्म्स, अब फायर आर्म्स क्या है, फायर आर्म्स हम कहते हैं जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स होती हैं, जितने भी पिस्टल्स और डिफरेंट गन्स, चाहे वो ऑटोमेटिक गन हो या फिर मैनुअल गन्स हो या कोई भी गन हो, राइट, उसे हम कहते हैं फायर आर्म. या फिर हम कह सकते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स. प्रोजेक्टाइल्स क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल आपकी बुलेट हो सकती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल आपका रॉकेट हो सकता है, ठीक है. सो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो प्रोपेल होता है, सब उनके मोशन को. सो बेसिकली इसमें लगते हैं फिजिक्स, फिजिक्स के रूल्स, ठीक है. सो हम क्या पढ़ते हैं, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं मोशन, सो डायरेक्टली रिलेट करता है ये फिजिक्स से, ठीक है. सो बैलिस्टिक्स वो साइंस है जिसमें हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स पढ़ते हैं और फायर आर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. फायर आर्म्स के प्रोजेक्टाइल का मोशन पढ़ते हैं, कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है. और द साइंस दैट डील्स विद एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म. तो ये तो हमने एक पॉइंट बोल दिया कि बैलिस्टिक्स वो साइंस है भाई जिसमें हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर्म्स. इसके अलावा फायर जो फायर आर्म है उनका एग्जामिनेशन भी हम इसमें ही पढ़ेंगे, बैलिस्टिक्स में ही हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म्स, ठीक है. बैलिस्टिक्स में ही हमने पढ़ना है एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म एम्यूनेशन. एम्यूनेशन क्या है, आपकी बुलेट्स, ठीक है. अब आपने ये देखा होगा कि बुलेट कैसी होती है, कैसी होती है बुलेट. सो एक होता है आपकी बुलेट का शेल, ठीक है. सो लेट्स कंसीडर दिस इज शेल and this is your bullet. चलो ये मैंने pointed bullet बनाई है. so this thing is made up of metal और ये है shell, ठीक है, जिसे हम कहते हैं cartridge भी. जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं cartridge या फिर cartridge case. इसके अंदर होता है आपका primary charge, ठीक है, इसके अंदर होता है आपका primary charge, ठीक है. यहाँ पे primary charge और main charge. so मैंने purple जो molecules बनाए हैं, consider that molecule as the main charge, और यहाँ पे मैंने red color का primary charge बनाया. जब striking pin, जब हम ये सारी चीज़ें detail में भी पढ़ेंगे, जब जो pin strike करती है, gun की pin यहाँ पे strike करेगी, ये जो आपका primary charge है,
ये प्राइमरी चार्ज क्या है? इट इज मेड अप ऑफ सम एक्सप्लोजिव पाउडर मटेरियल, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेल्यूलोज का बना हुआ हो सकता है, ठीक है, प्राइमरी चार्ज या प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स, जो कि बाद में क्या करते हैं, मेन चार्ज में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एंड यहाँ पे गैसेस का, दिस इज मेन चार्ज, ठीक है, रुको, दिस इज मेन चार्ज, मेन चार्ज जब जब फायर कैच करता है तो यहाँ पे गैसेस गैसेस का प्रोडक्शन होता है, एंड इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो आपकी बुलेट है वो प्रोपेल होती है, ठीक है, बुलेट बुलेट सिर्फ आपकी वो मेटल की स्मॉल स्ट्रक्चर हम कहेंगे, बट उसकी शेल को हम अकॉर्डिंग टुगेदर, बुलेट और उसकी शेल, जैसे हम कहते हैं कार्ट्रिज केस या कार्ट्रिज, सो कलेक्टिवली उन्हें हम कहते हैं एम्यूनेशन, उनको हम बोलेंगे एम्यूनेशन, हमने उन्हें ही एम्यूनेशन कहा, ठीक है. सो इसका एग्जामिनेशन भी हम बैलिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं. क्या क्या पढ़ रहे हैं? बैलिस्टिक्स वो साइंस है जिसमें हम प्रोजेक्टाइल का मोशन पढ़ रहे हैं. ये आपकी प्रोजेक्टाइल है, दिस बुलेट इज योर प्रोजेक्टाइल, ठीक है, दिस बुलेट इज योर प्रोजेक्टाइल. तो इस बुलेट का मोशन पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ फायर आर्म्स भी पढ़ेंगे जिससे ये फायर की गई है, इसके साथ ही साथ उस फायर आर्म का एग्जामिनेशन भी बैलिस्टिक्स में पढ़ना है, एंड एम्यूनेशन विच इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम. अब देखो, जब अगर ये क्राइम से एसोसिएट हो गया तो ये फॉरेंसिक्स बैलिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा, या जब भी कोई भी साइंस क्राइम या लॉ से रिलेट हो जाती है तो वो फॉरेंसिक्स की हो जाती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. सो अ फायर आर्म इज अ डिवाइस. अब ये फायर आर्म क्या है? व्हाट इज फायर आर्म? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, व्हाट इज फायर आर्म? सो फायर आर्म इज अ डिवाइस टू हर्ल अ प्रोजेक्टाइल, द फोर्स इज सप्लाइड बाय द क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी चार्ज मेन चार्ज बर्न होता है, गैसेस का प्रोडक्शन होता है, ये गैसेस इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती हैं कि जो बुलेट है वो स्पीड से एग्जिट करता है अपने कार्ट्रिज केस से, एंड वो प्रोपेल होता है, ठीक है. सो फायर आर्म ऐसा डिवाइस है जो प्रोजेक्टाइल हर्ल करता है. सो हमारी जो बुलेट है वो गैसियस एक्सपेंशन की वजह से आगे चली गई विथ फोर्स, ठीक है, एंड ये फोर्स कौन से एलिमेंट सप्लाई कर रहे हैं? मेन चार्ज एंड प्राइमरी चार्ज, ये फोर्स सप्लाई करते हैं. कैसे सप्लाई करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ओके, बिकॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ पाउडर चार्जेस. सो जब आपके मेन चार्ज प्राइमरी चार्ज बर्न होते हैं तब जाके आपको इतनी पावर मिलती है, या फिर उस बुलेट को इतनी पावर मिलती है कि वो हर्ल होती है, ठीक है. अब हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंडियन आर्म एक्ट, इंडियन फायर आर्म एक्ट भी कह सकते हो, इंडियन आर्म एक्ट भी कह सकते हो. सो इट इज 1959 भी याद रखना है. कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रेट ईयर पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्म एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, या कौन सा ईयर एसोसिएटेड है इंडियन आर्म एक्ट के साथ, तो आपने याद रखना है 1959. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है, हमने ये एक्ट ऑलरेडी पढ़ा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, एंड आप आई बटन को क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पढ़ा है इंडियन आर्म एक्ट, ठीक है. अब इंडियन आर्म एक्ट में क्या है? सो अ फायर आर्म मीन्स एनी डिस्क्रिप्शन. सो इस एक्ट में हमने फायर आर्म को भी डिफाइन किया है. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, फायर आर्म मीन्स एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइन दैट इज अडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल, टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल. कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि प्रोजेक्टाइल को डिस्चार्ज करने के लिए बनाया गया है, या डिस्क्रिप्शन में वो ऐसी चीजें हैं, ऑफ एनी काइंड बाय एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो वो कोई भी एक्सप्लोजिव एक्शन के थ्रू या फिर एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से जो भी प्रोजेक्टाइल डिस्चार्ज हो रहा है या फिर प्रोपेल हो रहा है, होल हो रहा है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर या डिजाइन, उसे हम कहेंगे फायर आर्म, ठीक है. वेपन्स दैट इज स्पेशली दोज विच प्रोपेल समथिंग फॉरवर्ड. अगर कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी वेपन, कोई भी प्रोजेक्टाइल को फॉरवर्ड प्रोपेल कर रहा है, तो दैट कम्स अंडर बैलिस्टिक्स एंड दैट इज अ फायर आर्म, ठीक है. इसे हम कह सकते हैं विद द पर्पज ऑफ हिटिंग अ टारगेट, ठीक है. अगेन, अगर हम लीगली डिफाइन करें बैलिस्टिक्स को, सो बैलिस्टिक्स कैन बी लीगली डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ स्टडी. इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी. देखो, स्टडी का फील्ड है. इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद फ्लाइट बिहेवियर एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी प्रोजेक्टाइल.
मेनी प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि बैलिस्टिक्स वो साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इट डील्स विथ फ्लाइट बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड ऑल्सो इवेलुएट्स फायर आर्म फंक्शनिंग। अब वो फायर आर्म फंक्शन कैसे करता है, वी हैव मल्टीपल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर्म्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फायरिंग इससे भी हमको कंसर्न है, ठीक है, हमें ये भी जानना है कि प्रोसेस ऑफ फायरिंग क्या है, फायर आर्म की प्रोसेस क्या है, राइट। फ्लाइट प्रोसेस एज वेल एज अफेक्ट दैट प्रोजेक्टाइल हैज ऑन द टारगेट, कि टारगेट में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, और जो फ्लाइट कैसी है, ठीक है, इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बैलिस्टिक्स में। सो आई होप फोरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड बैलिस्टिक्स इज क्लियर। अगर हम फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की बात करें, सो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स आपकी रिलेटेड है लॉ इन लीगल एलिगेशंस, सॉरी इन लीगल एजेंसीज, किसी भी लीगल सिस्टम या लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब हम साइंस बैलिस्टिक साइंस एसोसिएट करते हैं किसी भी लीगल इशू के साथ या फिर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स हो जाती है। ओके, सो आई एम ब्रेकिंग द लेक्चर हियर, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज जो कि रिलेटेड है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स से एंड क्या इसका नेचर है, राइट। फिर हमने देखना है डिविजन ऑफ बैलिस्टिक्स, फाइन। सो ये सेक्शन ये वाला हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसी वीडियो का एक पार्ट टू कर लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स इन दैट वीडियो, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। सो दिस इज पार्ट वन जिसमें हमने बैलिस्टिक्स समझा एंड फोरेंसिक बैलिस्टिक्स समझा, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के एलिमेंट क्या हैं एंड डिविजन्स क्या हैं बैलिस्टिक्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।